Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video I'm going to start current affairs for Punjab PCS 2020 part number 2nd. Isse pehle maine already part 1 ki video upload kar di hai. Kindly watch that video first. And if you want to cover entire UPSC and Punjab PCS syllabus, kindly download my app Pinnacle Study Group. Pinnacle Study Group app ka link aapko description box mein mil jayega. ये एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए अवेलेबल है और वहाँ पर स्टोर सेक्शन में देर आर मल्टीपल कोर्सेज रिकॉर्डिंग क्लासेस लाइव क्लासेस कोर्सेज आर अवेलेबल सो काइंडली डाउनलोड माय ऐप एंड लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स फॉर पंजाब पीसीएस 2020 पार्ट नंबर 2 हियर द संप्रीति 9 दिस इज अ मिलिटरी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इंडिया और बांग्लादेश में जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है संप्रीति और रिसेंटली संप्रीति 9 विच वॉज हेल्ड इन मेघालय द 9th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिटरी ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश विच वी कॉल द संप्रीति 9 विल बी कंडक्टेड उमरॉय मेघालय एंड ये मेघालय में कंडक्टेड हो चुकी है इंडिया प्लस बांग्लादेश की जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है विच इज़ वी कॉल्ड संप्रीति और ये उसका 9th एडिशन था प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है शेख हसीना और इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है टाका क्लियर सो दिस इज अबाउट द बांग्लादेश नेक्स्ट है वर्ल्ड लेप्रोसी डे हर साल वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व किया जाता है 30th of January को इसको भारत में नॉन वायलेंस डे की तरह भी ऑब्जर्व किया जाता है एंड इन इंडिया वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व ऑन द 30th of January एवरी ईयर टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ महात्मा गांधी और लेप्रोसी को हैंसन डिसीज के नाम से भी जाना जाता हैंसन डिसीज भी कहा जाता है लेप्रोसी डिसीज को एंड हु वाज असैसिनेटेड ऑन द दिस डे 1948 आप सभी को पता 30th of January 1948 को महात्मा गांधी जी वाज असैसिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे एंड दिस ईयर 2020 द थीम था वर्ल्ड लेप्रोसी डे का दैट इज लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक लेप्रोसी वो नहीं है जो हम सोचते हैं दिस year the theme of the world leprosy day okay so har saal 30th of january ko ye day observe kiya jata hai and to commemorate the death of the mahatma gandhi and the theme mein maine bata diya next hai the president election of afghanistan afghanistan ke president re-elected hue hain ashraf ghani to ye ashraf ghani hai you know pakistan you know afghanistan aur india ke relations kafi smooth relation hai kafi friendly relation hai The Independent Election Commission of Afghanistan has announced Ashraf Ghani as a winner of the President Election of Afghanistan. और ये है अशरफ गानी And he has won the President Election of Afghanistan for the second time. He's defeated his closed opponent जिसका नाम था अब्दुल्ला अब्दुल्ला He defeated after winning the 50.64% of the total vote. Okay, काफ़ी close winning option था And अफगानिस्तान की capital है काबुल और उसकी currency है अफगान की अफगानी तो ये हैं प्रेसिडेंट के री इलेक्टेड प्रेसिडेंट अशरफ गानी नेक्स्ट इंडिया टू होस्ट अंडर 17 फीफा वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020 बट ये पोस्टपोन कर दिया गया हुआ ड्यू टू कोविड यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं किरेन रिजिजू ही हैड अनवेल्ड द 5 होस्ट सिटी ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप ओके फुटबॉल वर्ल्ड कप वो भी फीफा का अंडर 17 और इसमें आता है अहमदाबाद है भुवनेश्वर है गुवाहाटी कोलकाता एंड नई मुंबई फीफा वुमेन चीफ फुटबॉल ऑफिसर है सराई बैरिमान एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है प्रफुल्ल पटेल इंडिया के फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल और हेडक्वार्टर है इंडिया का फुटबॉल फेडरेशन का द्वारका दिल्ली में और इस साल होने हैं और ये पोस्टपोन कर दी गई अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड फुटबॉल कप नेक्स्ट ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसमें इंडिया का रैंक बताया गया था 40th रैंक है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स और प्रॉपर्टी इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एज अ 40th आउट ऑफ 53 कंट्रीज ऑन अ ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में और टॉप पे US, UK, Sweden, France and Germany remain the top 5 economy on the intellectual property index. Clear? US में intellectual, UK,
स्वीडन, फ्रांस एंड जर्मनी, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं, और इंडिया आती है 40th नंबर पे आउट ऑफ द 53 एज फार एज योर ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इज कंसर्न। नेक्स्ट है बांग्लादेश वॉन, आप सभी को पता है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का बांग्लादेश की टीम जीती थी। ओके, एंड बांग्लादेश हैड वॉन द अंडर 19 क्रिकेट आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 विच वॉज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। तो ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था, एंड बांग्लादेश अंडर 19 क्रिकेट टीम डिफीटेड इंडिया। तो इन्होंने इंडिया की अंडर 19 टीम को हरा दिया था बाय द 3 विकेट टू विन द फाइनल आईसीसी वर्ल्ड कप, और ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। और चेयरमैन है आईसीसी के शशांक मनोहर, चेयरमैन शशांक मनोहर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ है मनु सानी, और हेडक्वार्टर इसका यूनाइटेड अरब एमिरेट के दुबई में। आई एम टॉकिंग अबाउट द आईसीसी। क्लियर। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट ने एक नया मेजर पोर्ट सेटअप कर दिया, क्लियर कर दिया उसका, और नया मेजर पोर्ट है विच इज़ द 30th, क्योंकि अभी तक हमारे इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स थे, अब इसको ऐड करके 13 मेजर पोर्ट हो जाएगा, और ये मेजर पोर्ट है वाधवन, वाधवन मुंबई में। द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन इट्स प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप अ न्यू मेजर पोर्ट एट वाधवन नियर द दानो इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मुंबई के पास ये एक नया वाधवन पोर्ट जो मेजर पोर्ट है उसको क्लियर किया है। एंड द न्यू मेजर पोर्ट विल एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ लैंड लॉर्ड मॉडल, एंड द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ दिस इज ओवर 65,000 करोड़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड द स्पेशल पर्पज व्हीकल विल बी फॉर्म्ड अंडर जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट विच विल एक्ट एज ए लीड पार्टनर फॉर इक्विटी पार्टनरशिप 50%। क्लियर। तो 13th मेजर पोर्ट हो जाएंगे विद इंक्लूजन ऑफ द वाधवन, और अभी तक 12 है। अब नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड की नई बुक रिलीज हुई है, और वो भी ई बुक फॉर्मेट में, बिकॉज कोविड-19 का फेज था, सो ई बुक फॉर्मेट में इन्होंने नई बुक रिलीज की है। रस्किन बॉन्ड न्यू बुक टाइटल विच इज कॉल्ड हॉप ऑन, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स वॉज रिलीज ऑन हिज 86 बर्थडे एंड ई बुक फॉर्मेट में। अपने 86वें 86 बर्थडे में के टाइम पर उन्होंने एक ई बुक के फॉर्मेट में एक नई बुक रिलीज की है, दैट इज होप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन, एंड द बुक प्रेजेंट इट्स अ रीडर विद द नंबर ऑफ ऑथर हिलेरियस जर्नी एंड द ट्रेवल एडवेंचर्स। द इलुस्ट्रेशन ऑफ रस्किन बॉन्ड न्यू बुक डन बाय द सम्राट हेल्दर, इन्होंने इलुस्ट्रेट किया पूरी चीज़ को। तो यह है रस्किन बॉन्ड की न्यू बुक। नेक्स्ट फीफा, तो मैंने भी बताया है फीफा कप आ गया, और साथ में मैंने इसको पोस्टपोन की भी न्यूज़ बता दी है। तो फीफा पोस्टपोन अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया टू 2021, क्योंकि 2020 में होना था, अब इसको पोस्टपोन कर दिया, और ये दोनों न्यूज़ में ले आया हूँ। तो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2020 हैज़ बीन पोस्टपोन टू 2021 ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडमिक, एंड द फीफा कॉन्फेडरेशन कोविड-19 वर्किंग ग्रुप हैज़ टेकन डिसीजन टू होल्ड फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप इन इंडिया फ्रॉम February 17 टू March 7, 2021। जापान एंड नॉर्थ कोरिया हैव बीन क्वालिफाइड फ्रॉम द 2 अवेलेबल स्लॉट्स फॉर एशियन टीम विद इंडिया क्वालिफाइंग द मेन टूर्नामेंट एज अ होस्ट। तो इंडिया के साथ साथ नॉर्थ कोरिया और साथ में जापान। और प्रेसिडेंट है फीफा के ज्ञानी इन्फेंटिनो, और ये पूछा भी गया हुआ है, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1904 में, 21 मई 1904 में फीफा की फाउंडेशन है, और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच के स्विट्ज़रलैंड में, ज्यूरिच के स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट है पूरे फीफा के, दैट इज़ अ ज्ञानी इन्फेंटिनो, ऑन 21 मई 1904 फाउंडेशंस, एंड 20 में वर्ल्ड कप होना था पर इसको 21 में शेड्यूल कर दिया गया बिकॉज ऑफ द कोविड-19 फेज। नेक्स्ट रशिया प्लान टू लॉन्च फर्स्ट सेटेलाइट टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट इन 2020, और अब ये हो भी चुका हुआ है। रशिया ने पहली सेटेलाइट लॉन्च की है जो आर्कटिक क्लाइमेट को मॉनिटर करेगी। रशिया हैज़ प्लान टू लॉन्च फर्स्ट सेटेलाइट नेम्ड आर्कटिक एम। क्लियर। हमारा ये अर्थ है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है ये आर्कटिक है सारा, टू मॉनिटर द आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट लेटर दिस ईयर। एन आर्कटिक M1 स्पेसक्राफ्ट हैज़ बीन डेवलप्ड इन अंडरगोइंग रेडियो इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग, एंड द सैटेलाइट इज प्लान टू लॉन्च द एंड ऑफ द 2020।
The launch will take place on the Soyuz 2-1B carrier rocket with the Fajet booster. And Vladimir Putin है Russia के president. काफ़ी strong country है. US के बाद Russia ही strong countries में आती है. Moscow इसका capital है और इसकी currency है ruble. Clear? तो Arctic 1 for monitor the Arctic climate. और Russia के president Vladimir Putin, Moscow capital और रूबल इसकी करेंसी. नेक्स्ट है नासा के जो एस्ट्रोनॉट है, ये तो रिसेंटली न्यूज़ है. नासा के जो एस्ट्रोनॉट है ये रिटर्न सेफली, दे रिटर्न बैक. इन दोनों का नाम है बॉब बैंक एंड डॉग हर्ले. ओके, बॉब बैंकन एंड द डॉग हर्ले, द टू यूनाइटेड स्टेट एस्ट्रोनॉट हु वर सेंट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. दो मंथ पहले इनको भेजा गया था, रिटर्न टू प्लैनेट अर्थ सेफली फॉलोइंग ए 21 आवर ओवरनाइट जर्नी. क्लियर? तो इन दोनों के नेम आप याद रख सकते हो, बॉब बैंकन एंड द डॉग हर्ले. बोथ आर यूनाइटेड स्टेट्स एस्ट्रोनॉट. दे रिटर्न बैक सेफली, यू नो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे. और जो एस्ट्रोनॉट है ये सेंड किया गया था नासा के द्वारा विद द एक एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स. ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी है, तो इनके कोलैबोरेशन से भेजा गया था, नासा प्लस स्पेस एक्स. तो स्पेस एक्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और ये कंपनी है एलन मस्क की. और दोनों के नेम मैं फिर से बता देता हूँ, बॉब बैंकन एंड द डॉग हर्ले, ये दोनों पर्सन है. नेक्स्ट, अरब वर्ल्ड फर्स्ट एवर न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट इट ऑपरेशन. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशन में लिया है. ऑयल रिच गल्फ स्टेट, काफ़ी ऑयल है सभी को पता है. यूनाइटेड अरब एमिरेट फाइनली स्टार्ट इस फर्स्ट एवर न्यूक्लियर रिएक्टर, और इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है बराक एट अबू धाबी ऑन द गल्फ कोस्ट. क्लियर? बराक. एंड बराक वाज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इन 2017, बट ड्यू टू वेरियस सेफ्टी इश्यूज इट केप्ट ऑन गेटिंग डिलेड. 2017 की बजाय 2020 में इसको ऑपरेशनलाइज किया गया बिकॉज ऑफ द सेफ्टी कंसर्न. एंड न्यूक्लियर रिएक्टर का जो वॉच डॉग है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. द वॉच डॉग ऑफ न्यूक्लियर इंडस्ट्री, जो पूरा वॉच डॉग है, मॉनिटर करती है न्यूक्लियर्स को. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज अ प्रेजिंग ट्वीट रॉट दैट प्लांट यूनिट वन हैज अचीव्ड इट्स फर्स्ट क्रिटिकलिटी. क्रिटिकलिटी का मतलब होता है ऑपरेशन में लेकर आना. दैट इज जनरेशन ऑफ कंट्रोल फिशन चेन रिएक्शन. दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट क्रिटिकलिटी. तो ये वर्ड याद रख सकते हो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है सब क्रिटिकलिटी पे. तो दिस इज द जनरेशन ऑफ कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन, बिकॉज आपको पता न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शन होती है फिशन, ओके, वो फ्यूजन नहीं होती, इसमें फिजन होती है. तभी तो 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं, उसके बाद फर्दर 3 से 9, 9 से 27, और ये कंट्रोल्ड फेस में आती है. और ये अनस्कोय, और ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर. नेक्स्ट, नबार्ड के नए चेयरमैन पर्सन है, पहले तो थे हर्ष कुमार बानवाला थे, अब बन गए गोविंदा राजुल्लू. ओके, गोविंदा राजुल्लू चिंतल. द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ अ यूनियन कैबिनेट अपॉइंटेड गोविंदा राजुल्लू चिंतल एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नबार्ड. और नबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. और जितने भी RRBs हैं इन सबको मॉनिटर करता है, इन सबको रेगुलेट करता है नबार्ड. क्लियर? कोऑपरेटिव बैंक्स को नबार्ड रेगुलेट करता है. He is presently serving as a chief general manager at NABARD and will remain the post till his superannuation in July. And presently, Harsh Kumar Banwala is serving the chairperson. अब इनके tenure complete होने के बाद जो नए आएंगे वो है गोविंदा राजुल्लू चिंतल. Next है कारमेन रेनहार्ट, and she appointed as a chief economist of the World Bank Group. World Bank Group की chief economist बनी है कारमेन रेनहार्ट. World Bank Group has appointed Carmen Reinhart is a new vice president and chief economist. Her appointment will effective from the 15th of June 2020. And she was a senior policy advisor, deputy director at IMF and vice president and chief economist of investment bank Bear Stearns. And right now she became a chief economist of a World Bank Group. Aur iska naam hai Carmen Reinhart. कारमेन रेनहार्ट. ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया कंट्री के ऊपर एक पलाऊ छोटा सा कॉन्टिनेंट है, तो पलाऊ बिकम द फर्स्ट कंट्री
ये पहली कंट्री बनी है टू बैन रीफ टॉक्सिन सनस्क्रीन। रीफ टॉक्सिन सनस्क्रीन को सबसे पहले बैन करने वाली कौन सी कंट्री बनी है? पलाऊ। पलाऊ विच इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन। ठीक है, सनस्क्रीन जो हार्मफुल है कोरल और सी लाइफ के लिए, और ये बैन इफेक्टिव हुआ है 1 जनवरी 2020 को। ओके, इसी साल की पहली डेट को, पहली तारीख को ये बैन इफेक्टिव हो गया था एंड पलाऊ बिकम फर्स्ट कंट्री। एंड इनग्रेडियंट इट सनस्क्रीन प्रोडक्ट इज कॉल्ड द ऑक्सीबेंजोन विच इज़ कंसिडर्ड टू बी पर्टिकुलरली हार्मफुल। और इसके में जो इन्ग्रेडियंट है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीबेंजोन। यूपीएससी और पीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। एंड अदर प्लेसेज टू अनाउंस सिमिलर बैन इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट्स, वर्जन आईलैंड वेयर द लॉ टेक इफेक्ट इन मार्च, एंड द यूएस स्टेट ऑफ हवाई एंड बैन कम इफेक्ट 2021 एंड द डच कैरिबियन अलाउड। ठीक है, अभी तो ये अनाउंस हुआ है और इन फ्यूचर बैन भी होंगे, पर सबसे पहले बैन करने वाला पलाऊ बना है। नेक्स्ट है HCFC-141B, इज टोटली फेस आउट। HCFC की फुल फॉर्म है हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन 141B इज टोटली फेस आउट। इंडिया अचीव्ड अ कम्प्लीटली फेस आउट HCFC-141B, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल। HCFC-141B इज ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल आफ्टर क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो पहले CFC को फेज आउट किया है, अब किसको फेज आउट किया है? HCFC-141B। यू नो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ब्रॉट आउट ए नोटिफिकेशन थ्रू विच इशू ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस ऑफ HCFC-141B हैज बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम द January 1st। ओके, एंड इट वॉज इशूड अंडर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, बिकॉज ये जो गैस है, ये जो प्रोडक्ट है, ये ओजोन डिप्लीटिंग है। एंड इट इज़ इशूड अंडर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल अमेंडमेंट रूल 2019 इशूड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट दैट इज 1986, ओके 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर एक ऑर्डर है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डर अमेंडमेंट रूल 2019। नेक्स्ट है, इस साल 10 रैमसर साइट्स, हमारी जो इंडिया की साइट्स है जो नेशनल इम्पॉर्टेंट है, उसको इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट का दर्जा दे दिया गया। और ये 10 न्यू रैमसर साइट्स इंक्लूड करने से हमारी जो टोटल क्वांटिटी है वो 27 से 37 हो गई है। तो 10 न्यू रैमसर ऐड की गई है, और इसमें से 3 पंजाब की हैं, 6 यूपी की हैं और 1 महाराष्ट्र की है। और पहली बार महाराष्ट्र को अपनी रैमसर वेटलैंड मिली है, इससे पहले महाराष्ट्र में कोई भी रैमसर वेटलैंड नहीं थी। और जो महाराष्ट्र है कि उसका नाम है नंदोर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी। और जो पंजाब में है, क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी 3 थी, कांजली वेटलैंड थी, ठीक है, हरिके थी और रोपड़ थी, इसके साथ पंजाब में 3 और आई हैं, नंगल है, केशवपुर है और ब्यास वेटलैंड। तो टोटल पंजाब में अब 6 हो गई, 3 पहले थी और 3 और आ गई हैं। क्लियर है, तो ये नोट डाउन कर लेना। एंड द रैमसर कन्वेंशन हैज़ डिक्लेयर 10 मोर वेटलैंड इन इंडिया एज अ साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दिस ब्रिंग टोटल नंबर ऑफ रैमसर साइट्स 237। पहले इंडिया में 27 से अब 37 है। और जो रैमसर कन्वेंशन है उसके अंदर 6 ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं, तो ये भी हमें याद रखना होगा UPSC और पंजाब PCS के लिए। रैमसर कन्वेंशन जो टोटल है उसके अंदर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं उसके साथ। और 6 ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर कौन कौन से? एक तो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एक है IUCN, यू नो IUCN इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और एक है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। चौथा है वेटलैंड इंटरनेशनल। पांचवा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। और 6th है वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। सो दीज 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स विद द रैमसर कन्वेंशन। द फर्स्ट इज द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, IWMI, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF एंड WWT। क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज, ये जो इम्पॉर्टेंट है, सभी को पता कोरोना पैंडमिक चल रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड में, बट 30th of January 2020 को WHO ने इसको पैंडमिक, इंटरनेशनल हेल्थ एमरजेंसी ओवर द कोरोना वायरस। तो WHO ने इंटरनेशनल हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर की थी, वो कौन सी डेट को की थी? 30th of January को। ओके, और लेप्रोसी डे। द स्प्रेड ऑफ द डिसीज नाउ फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ PHEIC। अब PHEIC की फुल फॉर्म है पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अगर कोई भी डिसीज इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करे तभी वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है।
And according to the International Health Regulation 2005 of the WHO, WHO के अंदर एक आता है International Health Regulation जो 2005 की है, उसके अकॉर्डिंगली PHEIC is defined as an extraordinary event that fulfills the disease constitute public health risk spread to the other state internationally. So India so far has reported first case of novel coronavirus in Kerala. इंडिया में जो पहला नोवल वायरस था वो केरला में आया था. ओके, केरला में फर्स्ट पेशेंट था और इसको डिक्लेयर किया गया 30th of January को एज फार एज द PHEIC के कंसर्न. ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड तेलंगाना टॉप्स सस्टेनेबल ग्रोथ गोल्स परफॉर्मर लिस्ट. रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तेलंगाना हैज एमर्ज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन टर्म ऑफ अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. यू नो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर जो आपके SDGs आते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया वो तेलंगाना ने किया. एंड इट इज़ नोटेड दैट इन दिसंबर 2019 इंडिया रिलीज SDG इंडेक्स. तो जो SDG इंडेक्स है वो तो नीति आयोग रिलीज करती है. ओके, और राइट नाउ SDGs कितने हमारे इंडिया में, 17 SDGs है और जिसमें टारगेट्स हैं 169 टारगेट. तो यहाँ पर नोटिस कर सकते हो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 2015 से लेकर 2030 तक चलेंगे. ओके, तो ये था हमारा क्लास नंबर 2, पार्ट सेकंड था हमारा करंट अफेयर्स फॉर पंजाब PCS 2020. ओके, एंड फॉर द मोर सिलेबस एंड प्रॉपर कवरेज ऑफ पंजाब PCS काइंडली डाउनलोड माई ऐप एंड द लिंक इज अवेलेबल ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो. थैंक यू.